अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ भले चंगे होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता बसता और आबाद रखे। जो घरों में बीमार हैं, अस्पतालों में बीमार हैं, या अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ ये सब्ज़ कद्दू, जो होता है ये पेठा कद्दू भी हम कहते हैं। और इसकी मैंने स्किन उतार दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब थी ऊपर से, तो ये मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये है, इस तरह की स्किन होती है ऊपर, इस तरह भी होती है और इस तरह येलो भी होती है। तो ये मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो या हाफ के जी, और एक छोटा सा प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है और दो से तीन हरी मिर्चें मोटी मोटी काट ली हैं। तो चलिए अब इसे पकाते हैं, फिर खुश्क मसाले आपको बाद में बताऊँगी। अब इसमें हाफ टी मग से थोड़ा सा कम हम सरसों का तेल लेते हैं। मैं सब्ज़ियाँ ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब यहाँ हम डालेंगे एक बड़ी चुटकी हींग की, और यहाँ डालेंगे एक प्याज। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा एक से दो मिनट तक चलाएंगे। और यहाँ आप डालूँगी मैं, ये मैंने अपने ही गार्डन से ये कड़ी पत्ता जो है तोड़ कर लाई हूँ, सात से आठ छोटे छोटे लीव्स। बड़े लीव्स मैं नहीं डालती, मुझे छोटे ही अच्छे लगते हैं, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। आप भी छोटे लीव्स डाला करें, उसका टेस्ट ज़्यादा सब्जियों को इन्हांस करता है। अब इसमें हम जो चीज़ डालेंगे, अब ये देखें अच्छे से हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्ची भी डाल देंगे। अब यहाँ एक टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिएगा। एक टीस्पून लाल मिर्ची, हाफ टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये चीज़ें भी हम इसमें डाल देंगे। हल्का सा पानी का छींटा देंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं और अच्छा सा भून जाए। पानी का छींटा देने का मकसद ये होता है कि मसाले अच्छे से भून जाएं। अच्छा जी, अब हम यहाँ जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं ये देखें, आठ से दस दाने मेथी दाने के हैं, हाफ़ टी स्पून जीरा है, हाफ़ टी स्पून से कम सौंफ है और हाफ़ टी कलौंजी है टी स्पून। ये खुशक मसाले जो हैं ये हम लाजमी डालते हैं। अब इसमें हम अपनी सब्ज़ी भी डालते हैं, और ये इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है कि मुझे तो गर्मियों में ये सब्ज़ी बहुत भाती है और बहुत ज़्यादा मैं बनाती हूँ। इसके साथ पराठे भी बनाती हूँ, कभी हलवा पूरी के साथ, जैसे हम लोग सब्ज़ी जो आलू की भाजी नहीं बनाई, चने नहीं बनाए, तो मैं ये कद्दू की भुजिया बना लेती हूँ, इसके साथ हम पूरियाँ बना लेते हैं नाश्ते में। एक से दो मिनट हो गए, मसाला अच्छे से भून गया और जो तेल है वो ऊपर आ गया। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ बच्चियों को कि ये गर्मियों में बहुत अच्छी होती है, ये सब्ज़ी ज़रूर खाया करें क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और बहुत टेस्टी सब्ज़ी होती है, तो ये ज़रूर बनाएँ। और ये एक कप पानी डाल के मैं इसको लिड लगा के धीमी आंच पे रख दूँगी 8-10 मिनट के लिए, और फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अब देखते हैं, सब्ज़ी को 10 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ मैं क्या करूँगी, ये कच्ची कैरी जो मैंने चटनी बनानी है ये उसकी जो गुठली है ये मैं इसमें डाल दूँगी। अगर ये ना डालनी हो अब चूँकि ये तो ज़ाया ही जाएगी तो मैंने इसमें डाल दी, नहीं तो फिर कच्ची कैरी जो है उसको काट के उसका एक पीस डाल दें, फिर जो इसे चटपटा और खट्टा खट्टा सा मीठा मीठा सा टेस्ट आएगा ज़बरदस्त। अब यहाँ पे फिर हम इसको 5 मिनट देते हैं ताकि इसकी जो पल्प है वो कद्दू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर प्रेजेंटेशन करते हैं और दिखाते हैं। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया, 15 मिनट हो गए टोटल हमारी सब्ज़ी को बनते हुए, और अब हम इसे निकालते हैं। और नमक सब कुछ हमने चख लिया है, बहुत चटपटी सी बनी है,
ये सब्ज़ी पराठों से खाएं, चपाती से खाएं, पूरियों के साथ खाएं, ज़बरदस्त। और ये हमारी मज़ेदार सी कद्दू की सब्ज़ी तैयार है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा करें। नए देखने वालों से कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे कम से कम 5,000 सब्सक्राइबर तो हो जाएं। और ये सब कुछ आप बच्चे बच्चियों और बहन भाइयों ही की वजह से होगा, और ये मेरी अप्रिसिएशन होगी कि मैं वाकई जो काम कर रही हूँ वो आप उसको सराह रही हैं। दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।